बेटा आपको याद होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ता हूँ, आप भी देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करें। लिखा है बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं, जिनमें से दोनों रेखाओं की इक्वेशन आपको दी गई है, पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करिए, ठीक है। मतलब जो लाइन है वो लाइन ऐसी है कि इस पॉइंट से गुजरती है और इसके और इस रेखा के लंबवत लाइन है। थोड़ा सा मैं इसको आपको फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो दोनों लाइंस हैं ना इनको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है। जो पॉइंट्स ऊपर लिखे इनसे रेखा होकर जाती है और जो नीचे इनकी रेखा समांतर होती है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो इसको देखें, सबसे पहले लाइन वन का वेक्टर फॉर्म हम बनाना चाहते हैं, तो लाइन वन का वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। वेक्टर आर इज इक्वल टू 8i कैप -19j कैप +10k कैप। इससे लाइन होकर जाती है, इनके रेखा समांतर है, तो +λ 3i कैप -16j कैप +7k कैप। ये पहली लाइन का वेक्टर फॉर्म हमने बना लिया, ठीक। दूसरी लाइन का वेक्टर फॉर्म बनाना है। वेक्टर आर इज इक्वल टू 15i कैप +29j कैप +5k कैप +μ, और इनके समांतर, तो ये आप कैसे लिखेंगे इनको, 3i कैप +8j कैप -5k कैप। ये सेकेंड लाइन का वेक्टर फॉर्म बन गया, पहले भी हम आपको करा चुके हैं। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पीछे पन्ने पलट के लाइन वाले जब हमने पढ़ाए थे उनको आप देख सकते हैं। तो इससे आ गया। अब इससे पे क्या पता चलता है कि लाइन वन इसके पैरेलल है, लाइन टू जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। ये हमको पता चला, तो इसको हम लिख लेते हैं B1। इसको मान लेते हैं, ये आ गया 3i कैप -16j कैप +7k कैप, और वेक्टर B2 ये है 3i कैप +8j कैप -5k कैप। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखाता हूँ, आप गौर कीजिएगा। ये मैंने माना एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है, दोनों आपस में कैसे हैं, लंबवत। ये मैंने बना दी यहाँ पर लाइन वन ऐसे। आप फिगर मत बढ़ाओ नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बस आप ये मान लो कि ये वाली लाइन वन है और ये लाइन टू है, ये लाइन वन है ये लाइन टू है। लाइन वन की इक्वेशन भी आपको मालूम है, लाइन टू की इक्वेशन भी मालूम है। अच्छा, आपको जो लाइन चाहिए उस लाइन के बारे में सोचिए। वो लाइन 1, 2, -4 से जाती है और इन दोनों लाइंस पर लंबवत है। दोनों लाइंस पर कैसी है, लंबवत। उसको कैसे बनाएंगे, हम उस लाइन को ऐसा बना लेते हैं। आप देखिए ये इस लाइन पर भी और उस लाइन पर, दोनों लाइंस पर ये हमने लाइन टू बनाया और दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री का है और ये एक तीसरी लाइन है, यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। आप इसको मत बढ़ाइए, थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कि लाइन ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन, इसी की इक्वेशन हमको पता लगानी है। और ये लाइन एक बिंदु से होकर जाती है, कौन से बिंदु से होकर जाती है, इस पॉइंट से होकर जाती है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, -4, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकतर हमने लाइन जिस बिंदु से होकर जाती है उसको अधिकतर हमने ए माना हुआ है, तो ये पॉइंट को हमने ए मान लिया। ओके ठीक है। अब लाइन वन और लाइन टू,
अभी अभी हमने देखा कि लाइन वन जो हमारी है उसमें हम देखते हैं कि इससे होकर जाती है और इसके समांतर है, तो लाइन वन इसके समांतर यानी कि बी वन के समांतर है, तो लाइन वन बी वन के समांतर है, तो अगर मैं बी वन बनाऊंगा तो मैं बी वन ऐसे बना सकता हूं, ये लाइन वन वेक्टर बी वन के समांतर है, ओके। अच्छा, लाइन टू वेक्टर बी टू के समांतर है इसके, तो वेक्टर बी टू अगर मैं बनाऊं तो वो मैं ऐसा बना सकता हूं, ये है वेक्टर बी टू। इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री का ही आएगा, इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि लाइंस के बीच का एंगल 90 का है, तो लाइन जिन सदिशों के समांतर होंगी उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी चीज है और उसी को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप देख सकते हैं ये वेक्टर बी वन, ये वेक्टर बी टू, और इनका एक तल है, जैसे एक लाइन ये है ऐसे, एक लाइन ये है, आप लाइन भूल जाओ, वेक्टर बी वन और बी टू को याद करो, एक लाइन बी वन ये है वेक्टर बी वन और वेक्टर बी टू ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, दिस इज वेक्टर बी वन, दिस इज वेक्टर बी टू, ओके, दीज आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, दे हैव 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम, क्यों, क्योंकि इनकी लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री का था, इसलिए इनके समांतर जो सदिश हैं उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ओके। ये आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये बी वन है ये बी टू, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बी वन क्रॉस बी टू की डायरेक्शन बताओ किधर की तरफ होगी, बी वन क्रॉस बी टू की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, आपको याद है ए क्रॉस बी की दिशा हमेशा ए और बी के तल के लंबवत होती है, तो फिर बी वन क्रॉस बी टू की दिशा क्या होगी, बी वन क्रॉस बी टू की दिशा बी वन और बी टू के तल के लंबवत होगी, तो ये बी वन और बी टू का तल है, अब इसके लंबवत होगी तो किधर की तरफ होगी, ऐसा ऊपर की तरफ, कुछ समझ आया, ये बी वन है ये बी टू है, ए क्रॉस बी की दिशा हमेशा ए व बी के तल के लंबवत होती है, तो बी वन क्रॉस बी टू की दिशा हमेशा बी वन क्रॉस बी वन और बी टू के तल के लंबवत होगी, तो बी वन और बी टू का तल कहाँ है, ये ऐसा प्लेन है इसका, अब इसके लंबवत अगर होगी तो इसके लंबवत ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उसको बनाता हूं, बी वन क्रॉस बी टू की डायरेक्शन बी वन व बी टू के तल के लंबवत होगी, दिस इज बी वन क्रॉस बी टू, समझ आया। अच्छा, तो बी वन और बी टू दोनों के तल के लंबवत ये बी वन क्रॉस बी टू आ गया। और एक चीज देखें, हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन इस बिंदु से जाती है और बी वन क्रॉस बी टू के समांतर है, तो पहले हम बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे और इसके बाद बड़ी आसानी से हम अपनी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन पता लगा सकते हैं, ओके। तो पहले तो आप बी वन क्रॉस बी टू फाइंड आउट करिए, वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड, सबसे फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप रहेगा, फिर बी वन के कोएफिशिएंट्स आएंगे 3 माइनस 16 7, इसके आएंगे 3 8 माइनस 5, ओके। सबसे पहले आई वाला टर्म लेते हैं, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 80 प्लस का होगा माइनस 8 सत्ते 56, तो 80 में से 56 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए 4 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे, तो ये आ जाएगा 24 आई कैप। सेकेंड स्टेप माइनस होता है सेकेंड टर्म जे का, ऐसे कर लिया हमने इस तरह से, सबसे पहले माइनस 15 माइनस 21, तो माइनस 15 माइनस 21 6 2 1 3 माइनस 36, तो माइनस 36 जे कैप, ओके। एक बार फिर से मैं इसको चेक करना चाहूँगा, ऐसे तो माइनस 15 और माइनस 21, तो ये माइनस 36 बना, और एक माइनस ऑलरेडी इस टर्म में होता है तो प्लस 36 जे कैप, प्लस के कैप की बारी है ऐसे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 24 माइनस 16 48 माइनस 48, 24 माइनस माइनस 48, तो 24 प्लस 48 हो जाएगा, 24 माइनस माइनस 48 तो प्लस हो जाएगा, 8 4 12 4 2 6 1 7, ये 72 के कैप बन गया, दिस इज वेक्टर बी वन
क्रॉस वेक्टर बी टू। अब अकॉर्डिंग टू फिगर आप देखिए, फिगर के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारी जो लाइन है उसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या है। उसका डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं एक बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली, एक बिंदु इससे जाने वाली तथा सदिश वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के समांतर। आप देखिए आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन होगी वो इसके समांतर होगी। तो इस बिंदु से जाने वाली और B1 क्रॉस B2 के समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है। अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद करिए, एक बिंदु से जाने वाली, एक बिंदु A से जाने वाली और एक सदिश वेक्टर B के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होता था? बड़ा सिंपल, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर B होता था। इसमें A से गुजरती थी और B के समांतर होती थी। तो यहाँ A से गुजरती है पर समांतर B1 क्रॉस B2 के हैं, इसलिए हम वेक्टर B की जगह पर क्या लिख देंगे, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ओके, तो वेक्टर R इज इक्वल टू जिस बिंदु से जाती है उसका स्थिति सदिश 1 i कैप i कैप प्लस 2 j कैप -4 k कैप प्लस लैम्डा B1 क्रॉस B2 की वैल्यू 24 i कैप प्लस 36 j कैप 24 i कैप प्लस 36 j कैप प्लस 72 k कैप। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर रिक्वायर्ड लाइन। ओके, इसका हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं कितना आएगा। मिसलिनियस एक्सरसाइज 11 है और उसका ये क्वेश्चन है 20। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 20, आई कैप प्लस 2 r इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लैम्डा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम कर लें, इन सब से 12 आप कॉमन कर सकते हैं। वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप। अगर हम 12 कॉमन कर लेंगे, 12 लैम्डा हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 i कैप 3 j कैप प्लस 6 k कैप। अब थोड़ा ध्यान से देखें, लैम्डा भी कांस्टेंट है, 12 भी कांस्टेंट है, तो 12 लैम्डा भी तो कांस्टेंट है। हम चाहें इसकी जगह कुछ और लिख दो, वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस, हमने इसकी जगह म्यू लिख दिया, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। डोंट वरी, इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो तो पूरा कांस्टेंट है। और इस तरीके से आपका ये जवाब पूरा मिल गया। तो ये हमने लगाया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। एंड आई होप कि बाय फिगर आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने लगे। आप जल्दी से नोट करें, इसके बाद 21 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 21 नंबर है, लिखा है यदि एक समतल के अंतःखंड ABC है, मतलब एक समतल है जो एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी और जेड अक्ष पर सी लंबाई का अंतःखंड काटता है और उस समतल की मूल बिंदु से दूरी पी इकाई है, तो सिद्ध करिए कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p². ये आपको प्रूफ करना है। मैं देखिए बनाता हूँ एक फिगर और आप गौर से देखिए। सबसे पहले तो ऐसे ये 3 डायमेंशनल के कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं, एक्स वाई, और इधर मैंने मान लिया कि ये जेड एक्सिस है, दिस इज ओरिजन पॉइंट। ये ऐसा एक प्लेन है, ऐसे इस तरह का, ये एक समतल है, ठीक। और ये जो समतल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये समतल एक्स अक्ष पर ए लंबाई का अंतःखंड काटता है, वाई अक्ष पर बी लंबाई का
इंटरसेप्ट बनता है इससे, और जेड एक्सिस पर सी लंबाई का अंतःखंड इससे बनता है ऐसे। ठीक, अब उन्होंने एक और काम किया कि जो ओरिजिन पॉइंट है यहां से मूल बिंदु समतल पर एक लंब डाला है, सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन प्लेन, और इस लंब की लंबाई उन्होंने पी के बराबर बताई है। यही तो क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक समतल के अंतःखंड ए बी सी हैं, इसकी मूल बिंदु से दूरी पी है, तो सिद्ध करिए कि हाँ आपको अगर इतनी सारी चीजें हैं तो फिर आपको सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वन अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वेयर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखें बेटा। अच्छा, इतना सब देख के एक चीज तो आपको याद ही आ गई होगी कि अगर कोई प्लेन हमारे पास ऐसा है जो एक्स वाई और जेड अक्षों पर ए बी और सी लंबाई के अंतःखंड काटता है तो उस प्लेन का समीकरण क्या होता है, समतल का समीकरण। बेसिक में आपको ये चीजें बताई गई, मैं आपको याद दिलाता हूं, समतल का समीकरण होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। आई होप कि आपको ये चीज याद आ गई होगी। ओके, अब सबसे पहले मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना चाहता हूं, तो किसी भी समतल को जो कि ऐसे लिखा होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलते हैं, वेक्टर आर डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू डी, इसको कैसे आप बदलेंगे, ध्यान से देखना। हम इसको लिखेंगे वेक्टर आर डॉट वन अपॉन ए आई कैप वन अपॉन बी जे कैप वन अपॉन सी के कैप इज इक्वल टू वन। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब समतल की तो दो तरीके के फॉर्मेट होते थे, समतल का एक फॉर्मेट होता है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, और समतल का एक दूसरा फॉर्मेट होता है वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। और आप सभी को याद है उस वक्त ये एक अचर होता है और ये नॉर्मल वेक्टर होता है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है और ये मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई होती है, और हमें मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ही तो चाहिए। तो अगर आप इक्वेशन में इसको राइट हैंड साइड को मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई में बदलना चाहते हैं तो इसको यूनिट वेक्टर बनाइए, इकाई सदिश बनाना पड़ेगा। ये सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कौन से फॉर्मेट में है, तो आप देखेंगे कि ये इस फॉर्मेट में मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ ये n है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मापांक निकाल के देखो वन नहीं आएगा, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अब इसको हम यूनिट वेक्टर कैसे बनाएं, इस सदिश को इकाई सदिश कैसे बनाया जाए, तो किसी भी सदिश को इकाई सदिश अगर बनाना है तो उसके मापांक का भाग दे दो, तो हम इसके मापांक से भाग दे देते और इक्वेशन है तो एक तरफ तो नहीं देंगे, दोनों तरफ देंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको, वेक्टर आर डॉट वन अपॉन ए आई कैप वन अपॉन बी जे कैप वन अपॉन सी के कैप अपॉन, हमको इसके मॉड से भाग देना है। क्यों? क्योंकि इसको हमें कैप बनाना है, इकाई सदिश बनाना है। मापांक कितना आएगा, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर। यही चीज राइट हैंड साइड में आएंगे आप, तो यहां पर वन है, इसी के मापांक से लेफ्ट में डिवाइड किया, उसी से राइट में भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो अंडर रूट वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, अब ये यूनिट वेक्टर बन गया। अब अगर आर डॉट यूनिट वेक्टर बन गया, आर डॉट यूनिट वेक्टर बन गया, तो फिर इधर की चीज क्या होगी, उधर लिखा हुआ नंबर मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई होगी, तो मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, इतनी। ठीक है,
इसलिए मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, और बुक में हमें ये चीज P के बराबर दी गई है। हमने कितनी निकाली है, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, इसको बुक ने P के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये एक जो इक्वेशन है इसे हमने कैलकुलेट करनी है। कैसे, तो एक काम करो, P इधर ले आओ और ये जो डिनोमिनेटर है इसका, इसको आप उधर भेज दीजिए। तो जब ये P यहां पर आएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन P, और ये डिनोमिनेटर पूरा उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ओके, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, इधर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज आप जल्दी से नोट करें, इसके बाद 22 पर आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शनल 22 नंबर। दो समतलों 2x plus 3y plus 4z is equal to 4 और 4x plus 6y plus 8z is equal to 12 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। क्वेश्चन में आपको दो समतल दे दिए गए हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता लगाना है। एक समतल ये है, एक समतल ये है। अब इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। आप देखिए फिगर के माध्यम से देखिए, यहां पर मैंने मान लिया कि एक मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट, समतल दो हैं। ऐसा हो सकता है कि समतल मूल बिंदु के दोनों दोनों समतल मूल बिंदु के एक ही तरफ हों, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों समतल मूल बिंदु के इधर और उधर हों। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। आप जहां भी समतल बनाओगे, थ्री डायमेंशनल एक्सेस में बनाओगे आप, और वहां पर जब समतल बनाओगे तो वो दोनों समतल में दो शर्तें हो सकती हैं, या तो दोनों समतल मूल बिंदु के एक ही तरफ होंगे या तो दोनों समतल मूल बिंदु के अलग अलग दूसरी तरफ होंगे। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप यहां पर देखिए दोनों की जो दिक अनुपात है अभिलंब के, 2 अपॉन 4 1 बाई 2 आएगा, 3 अपॉन 6 1 बाई 2 आएगा, 4 अपॉन 8 1 बाई 2 आएगा। दोनों समतलों के दिक अनुपात, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वेक्टर आर डॉट टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इज इक्वल टू 4। ये एक समतल है, इसका भी हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो वेक्टर आर डॉट फोर आई कैप सिक्स जे कैप प्लस एट के कैप इज इक्वल टू 12। अब आप दोनों समतलों को देखें, दोनों समतलों के जो नॉर्मल वेक्टर है, इस समतल का ये नॉर्मल वेक्टर और इस समतल का ये नॉर्मल वेक्टर, दोनों के दिक अनुपात आपस में समानुपाती हैं। ध्यान से देखिए, 2 अपॉन 4 1 बाई 2, 3 अपॉन 6 इट इज ऑल्सो 1 बाई 2, 4 अपॉन 8 अगेन 1 बाई 2। तो दो समतल हैं, दोनों के अभिलंब सदिश परस्पर अभिलंब सदिशों के दिक अनुपात आपस में समानुपाती हैं। इसका मतलब है दोनों अभिलंब समांतर हैं। अगर अभिलंब समांतर हैं तो समतल भी समांतर होंगे फिर। इसलिए ये दिए गए दोनों समतल आपस में कैसे हैं, समांतर, याद रख लीजिए। इस तरह से आप पता लगाएंगे इसको, ठीक है। अभिलंब अगर समान, अभिलंब के दिक अनुपात समानुपाती हैं, इसका मतलब अभिलंब समांतर हैं। और अगर अभिलंब समांतर हैं तो इस अभिलंब का ये वाला प्लेन, इस अभिलंब का ये प्लेन, ये भी दोनों समांतर हो जाएंगे। तो दोनों समतल समांतर हैं। अब फिर से आते हैं वापस,
कि मूल बिंदु दोनों समतल मूल बिंदु के एक ही तरफ हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि दो के दोनों समतल मूल बिंदु के एक ही तरफ पड़ जाएं, जैसे ये, ऐसे दो के दोनों समतल मूल बिंदु के एक ही तरफ पड़ गए, या ऐसा भी हो सकता है कि एक समतल मूल बिंदु के इधर हो और दूसरा समतल मूल बिंदु के दूसरी तरफ, ऐसा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। बट एक बात तो क्लियर है कि बोथ द प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, समतल परस्पर लंबवत हैं। नो सॉरी, दोनों समतल परस्पर समांतर हैं, दोनों समतल परस्पर समांतर हैं, ये एक चीज आप याद रखिए। अच्छा, ये मूल बिंदु है, ये भी शर्त हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है। हमें दोनों के बीच की दूरी चाहिए, हमें दोनों के बीच का ये डिस्टेंस चाहिए भाई, ये वाली डिस्टेंस, हमें दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालेंगे? बड़ा इजी, आपको एक काम करना है, सबसे पहले मूल बिंदु से इस समतल तक की दूरी निकाल लो पूरी, फिर मूल बिंदु से इस समतल तक की दूरी निकाल लो, उसके बाद इस वाले डिस्टेंस में इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस डी निकल के आ जाएगी। आप देख लो फिगर में, समझ में आया क्या करना है? अगर मूल बिंदु के, अगर दोनों समतल मूल बिंदु के एक ही तरफ पड़ते हैं तो उस सिचुएशन पे क्या करें? पहले आप मूल बिंदु से इस वाले समतल तक की दूरी निकालें, फिर आप मूल बिंदु से इस वाले समतल तक की दूरी निकालें, और दोनों समतलों, ये जो दूरियां आएंगी इन दोनों में से इस वाले डिस्टेंस में, इस वाले डिस्टेंस को अगर आप माइनस कर देंगे इतनी दूरी में, ये वाली दूरी अगर आप माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी दोनों समतलों के बीच की दूरी। क्लियर? अच्छा, इसके बाद इस वाले फिगर, अगर ये वाला केस होगा तो आप मूल बिंदु से इस समतल की दूरी निकालो पहले, फिर आप मूल बिंदु से इस वाले समतल की भी दूरी निकालो, और इस बार दोनों दूरियों को आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, तो दोनों समतलों के बीच की दूरी कैसे आएगी? तो दोनों समतलों के बीच की दूरी आएगी दोनों को ऐड करके, और यहाँ दोनों समतलों के बीच की दूरी के लिए अगर टोटल डिस्टेंस d1 थी, छोटी वाली d2 है, तो d कैसे आएगी? d1 माइनस d2 से आएगी। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो दो समतलों के बीच की अगर आपको दूरी चाहिए तो आप ये कर सकते हो, पहले दोनों पर मूल, दोनों समतलों के मूल बिंदु से दूरी निकालो, और इसके बाद अगर एक ही तरफ होंगे तो अंतर करके निकल आएगा, अगर विपरीत दिशाओं में होंगे तो योग करके निकल आएगा, यही काम करना चाहते हैं। अब इस समतल के मूल बिंदु से दूरी कैसे निकाली जाए? इट्स वेरी सिंपल, आप इसको यूनिट वेक्टर बना लो, जब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा तो ये मूल बिंदु से समतल की दूरी हो जाएगी। कैसे? आप सबने पढ़ा हुआ है वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d में, जब ये इकाई सदिश होता है तो ये मूल बिंदु से समतल की दूरी होती है। तो अगर आपने इसको इकाई सदिश बना लिया तो उस समय राइट हैंड साइड में जो मिलेगा वो मूल बिंदु से समतल की दूरी मिलेगी आपको। अब इसको इकाई सदिश कैसे बनाया जाए? आप सब जानते हैं, इसके मापांक का दोनों तरफ भाग दे दिया जाए, तो वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 4 है, एंड वी वांट टू मेक दिस वेक्टर अ यूनिट वेक्टर। सो हाउ कैन वी डू दिस? वी कैन डू दिस by dividing this vector by its magnitude. कैसे divide आप करेंगे? इसका मापांक निकालिए, इसका मापांक कितना होगा? अंडर रूट 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। सिमिलरली इधर भी हमको यही करना पड़ेगा, 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर। ये इधर का पोर्शन क्या बन गया? ये n कैप। उस समय ये चीज क्या होगी? मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। इसलिए मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी कितनी आएगी? आप चाहो तो d1 ले लो उसको, 4 अपॉन अंडर रूट 16 25 और 4 29, 4 अपॉन अंडर रूट 29। आई होप कि समझ आ गया।
सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी यूज करना चाहते हैं, आर डॉट फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस एट के कैप इज इक्वल टू 12. अगेन वी वॉन्ट टू मेक दिस वेक्टर अ यूनिट वेक्टर एंड फॉर दिस पर्पज आई विल हैव टू डिवाइड दिस वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड वॉट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड 4 स्क्वेयर 16, 6 स्क्वेयर 36, 8 स्क्वेयर 64. सिमिलरली यहाँ पर भी आपको यही करना रहेगा, 16, 36, 64. ओके, दिस विल बिकम वेक्टर आर डॉट. ओ मत लिखो आप इसको, बस आप सिंपल सा एक काम करो, ये क्या बन गया उस समय, यूनिट वेक्टर. एंड when this is a unit vector at that situation this is the perpendicular distance of the plane from the origin, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है ये, तो इसको नोट कर ले. इसलिए मूल बिंदु से समतल एक की लंबवत दूरी ये आ गई मूल बिंदु से समतल दो की लंबवत दूरी, दो की लंबवत दूरी. ठीक है, इसको आप d मान लो. और लंबवत दूरी कैसे निकलेगी, 12 अपॉन, ध्यान से आप देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 64 और 36 116, ऐसे मिल जाएगा ये आपको. इसको अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये 29 के टर्म्स में वो हो सकता है, तो 29 × 4 आप कर सकते हैं. आप मल्टीप्लाई कर देखें, 4 9 36, 4 2 8 3 11. ओके, 4 स्क्वायर रूट बाहर निकल के 2 आएगा, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से ये आएगा 6 अपॉन अंडर रूट 29. तो मूल बिंदु से समतल एक की लंबवत दूरी 4 अपॉन अंडर रूट 29, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, समतल दो की लंबवत दूरी 6 अपॉन अंडर रूट 29. अब अगर दोनों एक ही दिशा में है तो समतलों के बीच की दूरी, समतलों के बीच दूरी अगर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो अंतर से निकलेगा, तो d1 और d2 का आपको क्या कर देना है, अंतर. अंतर करेंगे तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करेंगे, 6 अपॉन अंडर रूट 29 में 4 अपॉन अंडर रूट 29 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 29. और अगर ये विपरीत दिशाओं में है मूल बिंदु से, तो समतलों के बीच की लंबवत दूरी, समतलों के बीच लंबवत दूरी, d के लिए क्या करना है, उस समय दोनों को आपस में ऐड करना है. जब आप ऐड करेंगे 6 और 4 ऐड होके बन जाएंगे 10 अपॉन अंडर रूट 29. तो दोनों समतलों के बीच की लंबवत दूरी ये भी है जब समतल मूल बिंदु के एक ही तरफ है, और ये भी है जब समतल मूल बिंदु के इधर और उधर है. अब ऑप्शन में हमने चेक किया ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो 10 अपॉन अंडर रूट 29 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, 2 अपॉन अंडर रूट 29 हमारे ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा. कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, ये चीज हो जाएगी. तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 23 बेटा बहुत ही ईजी है इसलिए मैं उसको इतनी जगह पर ही बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 23, हम इनमें से प्लेन्स को लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5. इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, तो ये आएगा r वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू d. ओके, ये हमने वेक्टर फॉर्म में पहले प्लेन को कन्वर्ट कर लिया. सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6. इसको भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वेक्टर r डॉट 5i कैप माइनस 2.5j कैप प्लस 10k कैप इज इक्वल टू 6. ठीक, ये हमने दोनों को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पर पता नहीं लगा करना क्या है. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम लोग. समतल 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5
और 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6 हैं, कैसे हैं? ऑप्शन में लिखा है परस्पर लंब है, समांतर है, y अक्ष पर प्रतिच्छेदन करते हैं या बिंदु 0 0 5/4 से गुजरते हैं। देखो आप इसको बड़ी आसानी से बेटा पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो? इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? देखिए मैं अलग से नहीं लिखूंगा, आपको इसको समझना है। इसका नॉर्मल वेक्टर वेक्टर n2, इसका नॉर्मल वेक्टर वेक्टर n1, दोनों के दिक अनुपात देखो। इसके दिक अनुपात 2 -1 4, इसके दिक अनुपात 5 -2.5 10। और आप गौर करेंगे तो दोनों के दिक अनुपात आपको समानुपाती मिलेंगे। कैसे? 2/5 करिए 1/2.5 मिलेगा, -1/-2.5 करिए इट इज अगेन 1/2.5, 4/10 करिए इट इज अगेन 1/2.5। तो हमने क्या देखा? दिए गए दो समतलों के अभिलंब सदिशों के दिक अनुपात समानुपाती हैं, अतः दोनों समतल परस्पर लंबवत हैं। अभी मैं बता भी रहा था कि अगर अभिलंब समांतर हैं तो समतल भी आपस में कैसे होंगे? समांतर होंगे। तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों समतलों के अभिलंब सदिशों के दिक अनुपात समानुपाती हैं, इसलिए दोनों समतल परस्पर समांतर होंगे। इस तरह से। और कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा आपका? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई मिसलेनियस। तो पूरा का पूरा समतल आपने पढ़ा, उसका बेसिक पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाए सारी एक्सरसाइज में। हाँ, जो क्वेश्चन यूपी 2020 और 2021 में नहीं रहे हैं उनको हमने नहीं लगाया है। बाकी क्वेश्चंस सारे विथ डिमॉन्स्ट्रेशन फिगर के साथ आपके सामने बताए गए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करें ताकि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में अच्छे से बस जाएं। और आज हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन पढ़ेंगे। ओके, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।